हेलो गाइस, वेलकम टू सेलेमोड। आज हम पहुंचे हैं शेफाली शर्मा यानी कि आप सभी की जो प्यारी सी बानी रह चुकी उनके घर पहुंचे। आज हम उनके आलिशान जो उनका आशियाना है उसका सफ़र करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर मोर सच एक्सक्लूसिव सेलेब अपडेट्स सब्सक्राइब टू सेलेब मोड। हे शेफाली, हाय, प्लीज कम इन। आशियाना दिखाइए फैंस को, जो हमेशा करा रहते हैं देखने के लिए, आखिर वो कैसे रहती हैं, उनके घर में कैसे डेकोरेशन है, प्लीज दिखाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं छोटे से घर से हमारे। तो यू कैन सी दिस इज़ आवर हॉल, दिस इज़ आवर ड्रॉइंग रूम। सो हॉल में बहुत कुछ चेंज हुआ है, लाइक ये पूरा वॉलपेपर इज़ डिज़ाइन बाय मी। देन छोटी छोटी चीज़ें कुछ ऐड ऑन की हैं मैंने आने में, ताकि जो कहते हैं ना कि मेरा भी थोड़ा टच होना चाहिए सब जगह, थोड़ी थोड़ी एडिशंस डालते हुए। तो मेरी और वरुण की चॉइसेस की हर चीज़ डालते हुए हम लोगों ने कंप्लीट किया है अपना। Then this is a hand-painted photograph. So this is also gifted by Varun's niece on one of our anniversary. और ये जो sofa है, actually ये sofa हमने सबसे ज़्यादा use किया covid के time पे, जब हमें कोई नज़र नहीं आता था, तो ये sofa को पूरा उल्टा करके हम सिर्फ बाहर बैठ कर देखते थे। ऊपर जब lock कर दिया गया था, मुझे और वरुण को covid हुआ था, तो सिर्फ हमारा एक काम था इसको उल्टा करके कि कोई तो दिख जाए सड़क पे, मतलब कोई तो नजर आए। दिस इज गिवन बाय वन ऑफ आवर फैन कॉल्ड शाबाज असलम फ्रॉम लंदन। तो वो ही इज़ लाइक अभी तक वो एक ऐसा फ़ैन है जो बानी के टाइम से ही इज़ विद मी, और इतने गिफ्ट्स, आदर इट्स माय एनिवर्सरी बर्थडे, तो कुछ ना कुछ घर में पार्सल आते हैं। सो दिस इज़ आर स्टडी रूम जहाँ पे वरुण अपनी राइटिंग करते हैं बैठ के, और मोस्टली हम लोग सुबह उठकर इस रूम का बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपना भगवत गीता यहाँ पे पढ़ते हैं सुबह। शिवाली, बुक्स बहुत सारी रखी हैं, इतनी सारी बुक्स देखी हैं, ऐसा लगता है। नहीं, ये एक जितना कि अगर आप जान पाए हो कि मैं और वरुण स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं, तो हम इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद हम लोग बहुत भगवान में हैं। तो अगर आप देखें कि ये सब भगवान से रिलेटेड, इट्स भगवत गीता, पूरी भागवतम, श्रीमद् भागवतम है जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि अभी हमारा फिनिश, इतने टाइम से सिर्फ एक बुक कंप्लीट हुई है। तो ये सब इस्कॉन की बुक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। दिस इज़ आई बिल्ट यू अ टेम्पल स्पेशली, आई वॉज टेलिंग यू 10th को जैसे हमारे घर फंक्शन है, तो महाराज गिरिराज महाराज इज़ कमिंग फ्रॉम, ही केम फ्रॉम अमेरिका, तो उन्होंने बुक लिखी है और इसमें वरुण के ग्रैंड फादर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, बिकॉज जुहू इस्कॉन इज़ बिल्ड बाय, जो कि जो भी उस ज़मीन को लेकर प्रॉब्लम्स हुई थी प्रभुपाद जी की, तो दैट इज़ ऑल डन बाई ग्रैंड फादर। सो दिस स्टडी रूम इज़ यूज़, प्रभुपाद जी पहले इस घर में है, गुरु जी इस घर में रहते थे इससे पहले कि हम लोग शिफ्ट हों या ग्रैंड फादर शिफ्ट हों, तो दिस वॉज इज़ प्रीचिंग रूम, तो ये सब खुला था, तो यहाँ से गुरु जी प्रीच करते थे। एंड देन माई रूम वॉज इज बेडरूम, तो ये थोड़ा बड़ा था, अभी हमने थोड़ा इंटीरियर चेंज किया है, तो दैट्स वाई वी आर लाइक स्पिरिचुअली मोस्टली आपको भगवान की बुक्स मिलेंगी। बहुत स्पेशल है बिकॉज लाइक कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे, यू नो कि बेस्ट एक्टर या बेस्ट न्यू फेस एंड ऑल, दिस अवार्ड वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। बेस्ट मदर स्पेशली, शो को शुरू हुए 1 month हुआ था, देन आई एम नॉट अ मदर इन रियल लाइफ, तो वो परफॉर्म करना और जब ये अवार्ड मिला, देन आई वॉज रियली लाइक कि आई वॉज रियली हैप्पी, बिकॉज कुछ कर रहे हो जो आप ऑलरेडी नहीं हो, एंड गिविंग अ हार्ड वर्क, डूइंग योर हार्ड वर्क, और उसके लिए आपको अवार्ड मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड बट आई वॉज रियली हैप्पी। उसके बारे में जानना चाहिए, दिस इज गोल्डन पेटल्स अवार्ड, नया सदस्य, न्यू फेस, बेस्ट फेस ऑफ द ईयर, तो ये गोल्डन बानी के टाइम पर मिला था। तो बाकी मोस्टली जितने अवार्ड्स हैं वो सब मेरे अमृतसर पड़े हैं, क्योंकि वो बिफोर मैरिज के अवार्ड्स हैं। तो वो अमृतसर, तो लाइक आप जाओगे पूरी की पूरी वो वॉल है जो अवार्ड्स के लिए है। ओके, बहुत प्यारे प्यारे पेंटिंग नज़र आ रही, फोटोज हमें नज़र आ रही है, शादी की मेमोरीज बताइए ज़रा प्लीज़।
ये हमारी वेडिंग पिक्चर है, देन दिस इज अ जागो नाइट. तो पंजाबियों में सबको पता है कि दो दिन पहले, वेडिंग से दो दिन पहले जागो निकाली जाती है पूरी. सो दिस वॉज जागो नाइट, जब हम ढोल लेके पूरी स्ट्रीट्स पे घूमे और हर एक के घर जाना होता है और सबको उठाना होता है कि यू कांट लीव दिस वेडिंग इन द हाउस. सो ये वो की है, दिस इज ऑल्सो वेडिंग पिक्चर, फैमिली पिक्चर ऑफ वरुण, लाइक मॉम डैड ग्रैंड मदर एंड वरुण सिस्टर, देन वरुण ग्रैंड पेरेंट्स, देन माई डॉग्स, माई पग, माई बेला, and this is my family, my sister, father, mother and brother, then my grandparents dadu dadi and my nanu. Okay Shivali, hame the house tour karke bahut maza aaya, ghar bahut beautiful hai, aapko kitna maza aaya fans ko batane mein, aapka kitna pyara ghar, itna acha aapne segment kiya hamare saath. Mujhe, main bahut enjoy karti hu because specially jab hum kuch bhi apna personally share karte hai to fans itna उस चीज़ को लाइक करते हैं, दे फील सो हैप्पी अबाउट इट, तो आई ऑलवेज वेलकम देम एनी टाइम. सो गाइज, दिस इज माई बेडरूम, आ बेडरूम बेसिकली मेरा और वरुण का. कम इन. शिवाली, आप बताएं जी, इतनी ब्यूटीफुल आपने डेकोरेशन किया, आपने किया है या फिर वरुण का आइडिया है, किसका आइडिया था? नहीं, जब मैं इस घर में आई ऑलरेडी डेकोरेटेड था, तो ये सब इंटीरियर्स या ये जितना भी आप देख रहे हो ये सब वरुण का है. हाँ, ये मेरा है. अच्छा, मुझे याद आया, ये मैंने गिफ्ट किया था वरुण को ऑन वैलेंटाइंस डे. आई रिमेम्बर द फर्स्ट वन, फर्स्ट पिक्चर ऑफ मी एंड वरुण टुगेदर. सो ये मेरी है, बाकी सब वरुण का है. लाइक मेरे आने से पहले ये सब, हाँ, शिव जी मेरे हैं, तो बाकी सब वरुण ने ऑलरेडी वरुण के तरीके से सजा हुआ है सब.